हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमूर में। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्लास्टिक की बैग से एप्रन बनाया था, और इनिशियल वीडियोस में मैंने एक टॉय बॉक्स भी बनाया है जिसमें सिलाई मशीन का यूज़ किया है। तो उस टाइम पे भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आपकी सिलाई मशीन जो है वो दिखाओ, बेसिक सिलाई कैसे करते हैं वो दिखाओ। तो फाइनली आज ये वीडियो आ गया है जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ एकदम बेसिक सिलाई कैसे करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक वाली मशीन है, मुझे सिंपल वाली जो मशीन होती है, नॉर्मल वाली जो पुराने ज़माने में होती थी, हाथ वाली नहीं बट नॉर्मल लकड़ी का बोर्ड होता था और नीचे पैरों से चलाना होता था, मुझे वो मशीन भी आती है, पर अब वो है नहीं तो मैं उसका डेमोंस्ट्रेशन नहीं दे सकती। तो इसी मशीन के साथ एकदम बेसिक सिलाई मैं आपको बताऊंगी, छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी सिलाई मशीन जो कि उषा ब्रांड की है। तो बेसिक वेरिएंट्स में से ये एक है। ये हमने लगभग 2013 या फिर 14 में खरीदी थी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमारे पास उषा ब्रांड की ही मशीन है तो हम यही दिखा रहे हैं। और वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक एक्सेसरीज। तो ये सारी की सारी चीजें मशीन के साथ आई हुई नहीं है, मशीन के साथ कुछ भी नहीं आया था, लेकिन आजकल किट के साथ भी मशीन्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ये कैंची। तो कैंची तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो चाहिए ही। नेक्स्ट है ये बॉबिन्स। तो बॉबिन्स जो होती है इनका इस्तेमाल होता है जो बॉटम वाली स्टिच होती है उसे देने के लिए। तो ऊपर तो सुई से आता है जो हम ऊपर से पिरोते हैं धागा, फिर बेस में बॉबिन डलती है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो बॉबिन है और ये बॉबिन का केस है। तो हमारे पास और भी है, बस मैं यहाँ पे तीन आपको बॉबिन्स दिखा रही हूँ। ये है फुट, यानी चार फीट जो मशीन के साथ आए हैं। तो सबसे बेसिक वाला है ये जो मैं अभी आपको पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ। फिर ये है पीको वाला फुट, ये चेन लगाने के लिए है, और ये बटन लगाने के लिए। फिर ये कुछ सुइयां हैं। तो नॉर्मल जो कपड़े की सिलाई होती है उसके लिए 18 नंबर की सुई या फिर 16 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ रेगजीन या कुछ मोटा स्टिच करना है तो 21 या 22 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो है सीम रिपर्स। सीम रिपर्स यानी सीम निकालने के लिए, यानी सिलाई उधेड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो टिप है इससे आप सिलाई या टाका तोड़ सकते हैं, और बीच का जो हिस्सा है ये शार्प होता है, आप सिलाई उसे काट सकते हैं या फिर कपड़ा भी कट कर सकते हैं। और ये है मेजरिंग टेप, ये धागे की रील, जस्ट एक दिखा रही हूँ फिलहाल। और ये छोटा सा मशीन वाला पेचकस है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे कहाँ पे यूज करना होता है। और ये थोड़ी बहुत ये भी बची है और मंगानी पड़ेंगी। इनके एक एंड पे पर्ल है, पर्ल हेड पिंस है ये। तो कपड़ों को जगह पे रखने के लिए सिलाई करते वक्त इनका इस्तेमाल होता है। और ये सुई में धागा पिरोने के लिए एक छोटी सी एक्सेसरी है जिसका हम हार्डली यूज करते हैं। ये मशीन के साथ पार्ट आया था जो कि फुट के नीचे रखा जाता है, ओनली इन केस ऑफ एम्ब्रॉयडरी, यानी एम्ब्रॉयडरी करते वक्त। तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब आप इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन लेते हैं तो उसके साथ ऐसे एक पैडल आता है, तो इसमें दो प्लग्स होते हैं, एक तो मशीन में लगता है और ये एक आपके पावर से लगता है। तो जो आपको तीन वाला दिख रहा है ना, जो तीन जिसमें कैविटीज है, वो मशीन में लगता है, और ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ दो वाला, ये पावर सोर्स में लगाया जाता है, यानी स्विच बोर्ड पर लगाया जाता है। और ये मशीन वाला, तो जो मशीन वाला है इसे मैं मशीन में लगा रही हूँ। और मेन स्विच के अलावा आपके पास मशीन के ऊपर भी ऑन और ऑफ का बटन होगा जो आप सामने देख सकते हैं। जब तक ऑन यहाँ से आप नहीं करेंगे तब तक मशीन नहीं चलेगी। इस प्लग को मैं पावर सोर्स में यानी स्विच बोर्ड में लगा रही हूँ, और ये देखिए ऑन ऑफ यहाँ से इस मशीन को किया जाता है। ऑन करते से ही मशीन में नीडल के ऊपर एक लाइट होती है, वो जल जाती है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बॉबिन भरने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें धागे की रील लगाई जाती है। तो धागे की रील लगाने के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे स्टिक्स दी गई हैं। फिर ये जो व्हील है, नॉर्मल सिलाई के वक्त इसे अंदर प्रेस करके रखना चाहिए, और जब बॉबिन भरनी होती है केवल उस समय से बाहर निकाला जाता है। मशीन के ऊपर एक हैंडल भी दिया गया है, तो इस हैंडल से आप मशीन को उठा सकते हैं क्योंकि मशीन में थोड़ा वजन है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसके अराउंड धागे को घुमाना पड़ता है बॉबिन भरते समय। और ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से जो धागा है वो मशीन की सुई में पिरोने के लिए घुमाया जाता है। और ये सुई है
इलेक्ट्रिक वाली मशीन में सुई में सामने से धागा पिरोया जाता है, मतलब सारे मॉडल्स का मुझे पता नहीं हमारी वाली मशीन में तो। और ये देखिए सुई निकाल के लगाने के लिए पेचकस है, यहाँ से आप लूज करके सुई को निकाल के बदल सकते हैं। ये फुट है, ऐसे अप एंड डाउन इसे किया जाता है और ये जो पीछे आप देख रहे हैं इससे फुट निकल जाता है। अब नीचे देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे है बॉबिन, तो यहाँ मतलब बॉबिन लगाई जाती है इस हिस्से में, और ये बॉबिन इस तरह से घूमती है जब मशीन हम चलाते हैं, तो बॉबिन को बॉबिन केस में डाल के इस तरह से यहाँ पे लगाया जाता है। ये जो व्हील है टेंशन सेट करने के लिए है, तो पतला है या मोटा है कपड़ा उसके हिसाब से इसे बदला जाता है। नॉर्मल कपड़े के लिए इसे 3 से 4 या फिर 4 पे रखा जा सकता है। और यहाँ पे है सिलेक्टर्स अलग अलग, तो इनका रिलेशन है जो एकदम राइट में आपको छोटा सा चार्ट नजर आ रहा है ना उससे, तो वहाँ जो ABCD है वो यहाँ पे ABCD सिलेक्ट करने से डिजाइन बनेगी। और लेंथ से आपका जो स्टिच है कितना लंबा कितना छोटा बनेगा वो डिसाइड कर सकते हैं, बड़ा नंबर यानी बड़ी सिलाई। और ये जो SS है वो ABCD के रेड वाले जो ऑप्शंस है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो एक छोटा सा ये लेजेंड दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A पर कौन सी सिलाई आएगी, B पर कौन सी आएगी। और जब आप SS वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे लेंथ से, तो जो नीचे रेड वाले ABCD है वो इनेबल हो जाएंगे, तो अलग से A ब्लैक और A रेड के लिए सिलेक्टर नॉब नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं कि बॉबिन में धागा कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हमें धागा जो है रील में डाल के घुमा के बॉबिन में लगाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे धागे की रील, फिर इस नट पे से घुमा के, अगर आपका कोई और मशीन का मॉडल है तो उसमें भी सिमिलर चीज़ें होंगी ही, पहले हल्का सा आप बॉबिन को ऐसे लपेट लें और ये बॉबिन भरने के लिए इस हिस्से को खिसका के बॉबिन भर के इसे वापस से शिफ्ट किया जाता है राइट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इस व्हील को बाहर निकालना होगा, तो फुट को आप प्रेस करें, उसके बाद बॉबिन भरनी शुरू हो जाएगी। तो फुट को आप प्रेस करें, थोड़ा रिलीज करें, कंटिन्यूसली करेंगे तो जो धागे की रील है वो उछलकर गिर सकती है, या फिर आप अपने हाथ से उसे अड़ा सकते हैं ऊपर हाथ रख के जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और जब बॉबिन भर जाएगी तो अपने आप वो घूमना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से शिफ्ट करें लेफ्ट की तरफ और बॉबिन को निकाल लें, और देखिए बॉबिन को बॉबिन केस में इस तरह से भरा जाता है यानी डाला जाता है। और अगर आपको बॉबिन बाहर निकालनी हो तो ये पीछे छोटा सा लीवर टाइप है, इसे आप खींचे और बॉबिन बाहर आ जाएगी। बॉबिन भरने के बाद ध्यान से जो व्हील है उसे अंदर कर दे, वरना आपको लगेगा यार फुट प्रेस कर रहे हैं लेकिन मशीन चल नहीं रही, सुई ऊपर नीचे नहीं हो रही। धागे की रील मैंने कहाँ रखी है वो आपको पता है, तो यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमा कर लेना होता है। ऑलरेडी गाइड दिया गया है 1, 2, 3, 4, यानी 1 से ले फिर 2 की तरफ से घुमाए 3, 4, तो उसी के अकॉर्डिंग में डाल रही हूँ। नॉर्मल जो पुरानी वाली मशीन्स होती है ना उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। और ये सुई में धागा डाल दिया है मैंने, सुई में हमने धागा डाल दिया, और नीचे अब बारी है बॉबिन की। तो बॉबिन भर ली थी तो अब मैं इसमें बॉबिन यहाँ पे देखिए इंसर्ट कर रही हूँ। तो ऊपर वाला थ्रेड जो सुई में डाला है और नीचे बॉबिन, इन दोनों धागों को मिला के आपके कपड़े की ऊपर और नीचे की सिलाई बनती है। थोड़ी सी मशीन चलाइए जो नीचे के बॉबिन का थ्रेड है वो भी बाहर आ जाएगा, तो एक सुई वाला और एक बॉबिन वाला। अब चलिए बेसिक सिलाई करते हैं। सीधी नॉर्मल सिलाई के लिए मैंने A मोड सिलेक्ट किया है और 2 नंबर पे मैंने लेंथ रखी है। देखिए A मतलब एकदम सिंपल सिलाई। फुट प्रेस करके मशीन आगे बढ़ेगी, बस फुट का कंट्रोल एकदम अच्छे से रखें। अब देखिए एक जो मैंने लाइन लगाई है ये 2nd नंबर पे है, और ये देखिए रिवर्स का बटन है मशीन में दिया गया है। कई बार हमें एंड्स पे आगे पीछे सिलाई करनी होती है ताकि जो थ्रेड का एंड है वो सिक्योर हो जाए, सिलाई अपने आप ना खुल जाए, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेस करके जब रखेंगे और मशीन चलाएंगे तो सिलाई रिवर्स में जाएगी, रिलीज कर देंगे तो आगे की तरफ आएगी। ये देखिए ये हो गई है एकदम सिंपल वाली सिलाई। अब इसी मोड पे यानी A मोड पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 3 और 4 के बीच में, यानी अब और बड़ी सिलाई आएगी, बड़े बड़े टाके आएंगे। ये देखिए पहले जो मैंने सिलाई की उसके कंपैरिजन में जो 2nd वाली है वो बड़ी है। अब जिगजैग वाली ट्राई करते हैं C पे, तो मैं सारे मोड्स आपको नहीं दिखाऊंगी, एक हाथ दो दिखा देती हूँ। 3 नंबर पे मैंने रखा है यानी थोड़ी बड़ी बड़ी सिलाई आएगी, दूर दूर होंगे जिगजैग्स।
अब मैं इसे कर देती हूँ 1 से 2 के बीच में। अब छोटे छोटे पास पास ज़िगज़ैग्स आएंगे, ये देखिए। एंड में हल्का सा खींचे और थोड़ा सा धागा छोड़ के ही आप कट करें, वरना एकदम से आपका जो धागा है सुई के बाहर आ जाएगा। ये देखिए छोटी और बड़ी वाली सिलाई। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ डी यानी रेड वाले में से, तो पहले डी सिलेक्ट करेंगे और रेड वाला एप्लीकेबल हो उसके लिए एस एस पे रखेंगे। प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताती हूँ। तो पहले एस एस पे, तो ये देखिए डिज़ाइन आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है तो मशीन अपना समय ले रही है। अब मैं रख रही हूँ प्लस पे, थोड़ी सी खुली खुली अब डिजाइन आ रही है, और अब माइनस पे, माइनस पे काफी पास पास आ रही है। तो एस एस पे मीडियम थी, प्लस प्लस में खुली खुली थी और माइनस माइनस में और छोटी। तो ये देखिए मीडियम वाली, थोड़ी खुली खुली वाली और छोटी वाली। तो ऐसे यहाँ पे एडजस्टमेंट लेवल्स हैं। अब एक जो जी वाला टाइप है, जी वाली जो स्टिचिंग है, इससे हम इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। जी से सी से आप कर सकते हैं इंटरलॉकिंग, नॉर्मल फुट के साथ भी। तो सिलाई की लेंथ मैंने 1 से 2 के बीच में रखी है। अब मैं सी सिलेक्ट कर रही हूँ, एकदम कॉर्नर पे कपड़े के मैं ये सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये इंटरलॉकिंग की तरह यूज की जा सकती है नॉर्मल फुट के साथ। अब देखते हैं कि मशीन का फुट कैसे बदलना है। बहुत सिंपल है, पहले लगाना मैं दिखा देती हूँ आपको। ये लीवर नीचे करना है और ये जो पीछे का लीवर है इसे प्रेस करना है, अपने आप फुट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा और पीछे वाले लीवर को प्रेस करके फुट निकल आएगा। अब देखते हैं पी को, जो कि साड़ी चुन्नी और काफी सारे कपड़ों में किया जाता है। तो सी मैंने सिलेक्ट किया है। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा सा कपड़ा लेके ट्राई कर सकते हैं। ये पीको वाला फुट है, इसमें देख रहे हैं आप एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे कपड़ा कर्ल हो रहा है। तो हाथों को गाइड बना के इसमें कपड़ा हल्के से आपको फोल्ड करना पड़ता है, अपने आप मशीन खींचती जाती है और देखिए ऐसे पीको हो जाता है। मशीन पर सिलाई करते वक्त आप अपने हाथों से पीछे की तरफ जाता हुआ कपड़ा बिल्कुल ना खींचे, अपने आप मशीन को काम करने दे, बस अपने हाथों से कपड़े को गाइड करते रहे। ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि जब कॉर्नर्स आ जाते हैं तो किस तरह से सिलाई को बदलना है, किस तरह से उन कॉर्नर्स पे आपको मशीन की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, कपड़े की लेयर्स यहाँ वहाँ खिसक ना जाए, इसके लिए पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, तो पहले सीधी सिलाई और जैसे ही कॉर्नर आएगा वहाँ पे सुई को कपड़े के अंदर जाने दें, फिर फुट को इस तरह से उठा लें और मशीन की जो मतलब कपड़े की डायरेक्शन बदल लें। ये देखिए एकदम अच्छा पॉइंटेड आपका कॉर्नर आ जाएगा। सुई को अंदर जाने दें, आप हाथ से भी हल्के से व्हील को घुमा सकते हैं अगर एग्जैक्ट प्रिसाइसली आप पैडल से वहाँ रोक नहीं पा रहे अगर मशीन को। तो देखिए अब मैं कपड़े को थोड़ा सा कर्व शेप में कट कर रही हूँ, इससे ज़्यादा भी राउंड या सर्कल या और कर्व हो सकता है। तो आपको अपने हाथ को एज अ गाइड यूज़ करना है, हल्के हाथ से आप कपड़े को थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहें। अगर आपको फास्ट वाली स्पीड में इतनी आदत नहीं है तो थोड़ा सा रुक रुक के आप कपड़े को हल्के हाथ से ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी स्मूथ सिलाई आ गई है कर्व सरफेस पे भी। आई होप आज के वीडियो में दिखाए गए इंस्ट्रक्शंस आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं पर कम से कम अपनी ड्रेसेस की फिटिंग या फिर कुछ फट जाए तो उसे सिलना आ जाए तो इससे ज़्यादा भी बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये देखिए सिलाई के बाद जो सीधी साइड होगी वो इस तरह से दिखेगी। मैंने सिर्फ बेसिक्स दिखाए हैं, तो मैंने कोई प्रोजेक्ट आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया है। फ्यूचर में मैं देखती हूँ, कुछ दिखाती हूँ प्रोजेक्ट सिलाई मशीन पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।